दोस्तों आज हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिना हेल्पिंग वर्ब के ना ही हम इंग्लिश सीख सकते हैं और ना ही हम इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हर एक चीज़ में और हर एक सेंटेंस में यूज होती है। हमें इंग्लिश सीखने के लिए हेल्पिंग वर्ब का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बिना हेल्पिंग वर्ब के ज्ञान के हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। और आज मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही बताऊँगा। आप पूरी वीडियो देखो और इतनी सारी ये हेल्पिंग वर्ब है, मैं आपको सारी हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं बताऊंगा, ताकि आप ध्यान से सुनो। जो इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब है मैं उनके बारे में बताऊंगा पहले, बाद में हम पार्ट टू में दूसरी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। अब हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हेल्पिंग वर्ब हिंदी में हमारी होती है सहायक क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्जुअली वर्ब ये दोनों एक ही होते हैं। आप हर बार इसमें मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक होते हैं। और हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं उस पर आपको लेके जा रहा हूँ, जो खाली इम्पोर्टेंट होती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं इम्पोर्टेंट वाली हेल्पिंग वर्ब पर आ गया हूँ। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज और डिड, हैव, हैज, हैड। ये हमारी इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, आप ध्यान से देखना। और दूसरी बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब और एक्जुअली वर्ब का मतलब सीधा बी से होता है, और बी का दूसरा रूप होता है बींग, बींग हो रहा है, और ये सब बी से निकले हुए पार्ट है, आप ये मान के चलो, ठीक है। और एक बात और, जैसे हमारा यहाँ पर आई है, आई के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी तो वो प्रेजेंट टेंस में तो होगी एम, और पास्ट टेंस में, सिंपल वाले टेंस में होगी वाज। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हमेशा आई के साथ आएंगी। अगर आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है तो वाज आएगी, और आई के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना तो एम आएगी। ये बात तो आप नोट करके रख लीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये ऑलवेज ऐसी रहेगा। आई के साथ हमेशा एम आएगा और आई के साथ हमेशा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी बात हो गई। अब मैं थोड़ा से एक्सरसाइज ले लेता हूँ, जिससे आप और अच्छे से जान पाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज होता है, ठीक है। चलिए फिर हम एक इस तरीके से समझते हैं, वो हमारी इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब हो गई। मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब ली, हम धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे, आप ध्यान से समझना। हेल्पिंग वर्ब का आपको बता रहा था, जैसे इच का हो जाएगा है, इस जो हो जाएगा है हो जाएगा, और एम का हो जाएगा हु, इसे हिंदी में कहते हैं एम का हु। मैं आपको मतलब बता रहा हूँ इसका हिंदी में, इसको कहते हैं एम को कहते हैं हु, आर को कहते हैं। अब ये तीनों चीज़ इज, एम, आर, ये तीनों चीज़ पास्ट में जाएंगी, इसमें पास्ट में आएंगी, मतलब पास्ट भूतकाल में जाएंगी। तो इज और एम का हो जाएगा वाज, मतलब था, ठीक है। आप ध्यान से समझ लो, इज और एम और आर को अगर हम पास्ट में लेके जाएं तो इसका दूसरा रूप पास्ट में ये बनेगा, इज और एम का वाज, वाज मतलब था, और आर का बनेगा, आर का हमारा यहाँ पे है था, पास्ट में बन जाएगा आर का वर, वर मतलब थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, इसका है हो गया। आप ध्यान से समझना पूरी बात को, पास्ट में लेके जाएंगे इज और एम आर का वाज हो जाएगा और वर हो जाएगा, ठीक है। और बचा हमारा हैव और हैज, हैव और हैज का पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड, बस। अभी हम इसके बारे में जानेंगे, फिर आगे और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे, चलिए जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अब मैं सीधे एक्सरसाइज पर आ गया हूँ कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जैसे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब ली है, बाकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। अब मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब ले ली, जैसे इज, एम, आर, वाज और वर, ये हेल्पिंग वर्ब ले ली मैंने, और यहाँ पर इनका यूज़ बताऊँगा मैं आपको, ठीक है, और इनका यूज़ कैसे होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये आपको याद रखना है। और धीरे धीरे दूसरी हेल्पिंग वर्ब पर अभी हम आएंगे। और हमारा पहला एग्जांपल है, जैसे वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होना कैसे होगा, देखिए, ही इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पर इसका सेंटेंस बना, ही इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी यूज हुई है, इज यूज हुई है, ये वाला इज यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम दूसरे पे चलते हैं, मैं विद्यार्थी हूँ, तो मैंने आपको बताया था आई के साथ हमेशा एम आता है प्रेजेंट में। अभी जो हम जो बात कर रहे हैं, ये खाली प्रेजेंट टेंस चल रहे हैं, सिंपल वाले, क्या चल रहा है,
प्रेजेंट टेंस चल रहे हैं सिंपल वाले, ठीक है। मैं विद्यार्थी हूँ तो क्या आएगा यहाँ पर, आई आएगा। और मैंने आपको बताया था आई के साथ हमेशा एम आता है, तो हमारी एम वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठ के इधर आ जाएगी। आई एम स्टूडेंट, समझ गए, यहाँ पर एम आ गया, यानी एम वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ गई है। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, जैसे हमारी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई इज एम आर वाज वर, और हमने यहाँ से उठा के इस यहाँ पर रख दिया हेल्पिंग वर्ब, और एम यहाँ पर रख दिया। और मैंने आपको बताया था आई के साथ हमेशा एम आता है। अगर हम इसे पास्ट में कन्वर्ट करें, ये वाली हेल्पिंग वर्ब पास्ट में कन्वर्ट करें, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम यहाँ पर था ले लेंगे, था, वह एक अच्छा लड़का था, और मैं विद्यार्थी था। जैसे मैं विद्यार्थी, वह एक अच्छा लड़का था, मैं विद्यार्थी था, तो यहाँ पर क्या यूज होगा हमारा, बाकी सब वही रहेगा, बस यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगी, यहाँ पर वाज आ जाएगी। मैंने आई के साथ आपको बताया आई के साथ हमेशा वाज आता है, तो यहाँ पर वाज आ जाएगा। जैसे आई ही वाज ए गुड बॉय, और आई वाज स्टूडेंट, बस ये बात थी। अब सीधा सीधा आ गया हमारा वाज जे आ गया, और वाज जे आ गया क्योंकि हमने था में बना लिया, इसे पास्ट में कन्वर्ट कर लिया हमने। और अगर आपको थोड़ा डिटेल में और जाना तो आप थोड़ा सा ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आई वी यू और दे, आई वी यू दे के साथ हमेशा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होंगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी एम आर और वर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हमेशा आई वी यू दे के साथ यूज होंगी, ठीक है। और इसमें आई के साथ मैंने आपको बताया था वाज, वाज भी आ जाएगा। और सिंगुलर में क्या होगा हमारा, सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होंगी, सिंगुलर में जैसे ही सी इट देट, ही सी इट देट, देट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी हमारी, हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी एक पहले इज, फिर हमारे कौन सा आएगा, इज आएगी, सीधे इनके साथ सीधे इज यूज होगी, और इन्हें पास्ट में हम लेके जाएंगे तो वाज आएगी। बस सिंपल सी बात आपको समझनी है, ही सी इट डेट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी इज और वाज, और आई वी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी एम आर वर और वाज, क्योंकि आई के साथ हमेशा वाज आता है, और सिंगुलर के साथ भी वाज और इज होता है, ठीक है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज पे लेके चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में। और जैसे कि हमने पहले वाली हेल्पिंग वर्ब पूरा पढ़ लिया था, उसमें क्या था, इज एम वाज वर, इनका यूज़ था, ठीक है। अब हम दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब पर आ रहा है, मैं आपको बता भी रहा था कि धीरे धीरे जो सारी हेल्पिंग वर्ब करूँगा। अब ये वाली हेल्पिंग वर्ब हमारी डू डज डिज बीइंग हैज हैव हैड, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका यूज़ कैसे करते हैं इसमें, ये देखेंगे आपको। भाई इतना याद रखना है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब तुम खाना नहीं खाते हो, ठीक है, ये कैसे बनेगा, हम सीधा यहाँ पे ले लेंगे यू। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू। आपको ये वाले सेंटेंस के बारे में पढ़ना है तो आप मेरी शुरू वाली वीडियो देखिए, मैंने उसमें बताया कि सेंटेंस कैसे बनते हैं जिसमें ता होता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के। तो यू, अब सीधा हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे ये वाली, यू डू नोट, यू डू नोट ईट फूड, ठीक है, यू डू नॉट ईट फूड, यानी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी डी वाली जो आ गई है सीधे यहाँ से आ गई उठ के, ठीक है। तुमने खाना नहीं खाया, अब तुमने खाना नहीं खाया तो हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगी, अभी ये पास्ट की बात हो रही है, यू डिड नॉट ईट फूड, क्योंकि देखो इसमें ईट वा, इसमें डिड वाली हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी, डिड वाली हेल्पिंग वर्ब ये रही, इसमें डिड वाली हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई और इसमें डू वाली हेल्पिंग वर्ब यूज, दोनों हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब हमारी बची क्या, डज बचा और बीइंग बचा, हैज हैव हैड बचा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वह, यहाँ पर ये क्या इतना कर देंगे, बस हम यहाँ पर इतना चेंज कर देंगे, यहाँ पर जो प्रोनाउन चेंज कर देंगे, वह खाना नहीं खाते हैं तो यहाँ पर है कर देंगे, ठीक है, वह खाना नहीं खाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा तरीका है, बाकी सब वही रहेगा, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा ही और जाली हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे सीधे, ही डज, ठीक है, ही डज नॉट ईट फूड, हमारी जाली हेल्पिंग वर्ब भी इसमें आ गई, ठीक है। तुमने खाना नहीं खाया, ये ऐसी कैसी रहेगी,
हमारा पूरा हो गया, अब हमारा विंग और हैज हैव हेड बचा है, ये मैं आपको इसी में बता रहा हूँ। जैसा कि मैं बता रहा था, अब इसमें जो है विंग वाली आ गई है। अब ये विंग वाला हमने ले लिया, एग्जाम्पल जैसे पानी गर्म हो रहा है तो द वाटर इज, सीधा हम यहाँ पे विंग लगा देंगे, विंग, विंग वाली हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हो गई, द वाटर इज विंग हॉट। ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, इसमें विंग वाली हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बची हमारी हैज हैव हैड, ठीक है, उसका मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आप देखते रहिए। दोस्तों अब आ गए, हमारा बींग हेल्पिंग वर्ब पूरी कंप्लीट हो गई थी, हमारी हैज रह गई थी, हैव रह गई थी, हेड रह गई थी, ठीक है। और हमेशा आई के साथ हैव जरूर आता है, ये बात आप याद रखना, हैव जरूर आता क्योंकि मैंने बींग की बना दी थी। अब हमारी तीन हेल्पिंग वर्ब रह गई, एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। अब मेरे पास पैसा नहीं है, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जैसे हम सबसे पहले ले लेंगे आप आई हैव नो मनी, हमारा सिंपल द सेंटेंस था, ये इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, ठीक है। हमने हैव ले लिया है, हैव हमारी यूज हो गई, ठीक है। अब उसका कोई बच्चा नहीं था, इसमें हम हैड का यूज करेंगे, कैसे यूज होगा आप देखना, ठीक है। उसका कोई बच्चा नहीं था तो ही हैड नो चाइल्ड, ठीक है, ही हैड नो चाइल्ड, सी एच, ठीक है, ही हैड नो चाइल्ड, उसका कोई बच्चा नहीं था। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे गधे के सींग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक गधे की बात हो रही है, उसके सींग नहीं है, ठीक है। तो द डंकी हैज नो हॉर्न्स, ठीक है, ये भी सेंटेंस बन गया। इसमें हमारा हैज हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई आसानी से, ये रही हैज, आपकी हैज भी कंप्लीट हो गई, हेड भी कंप्लीट हो गई, हैव भी कंप्लीट हो गई। मैं आपको और एक तरीका और बताता हूँ आसानी से, आप और समझ जाएंगे उसमें, ठीक है। हो गई थी हमारी, अब ये बचा आई वी यू दे के साथ हैव आएगा, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ही सी इट डेट के साथ हैज आएगा, ठीक है। और ये हेड बचा, हेड जो आप सब में लगा सकते हैं क्योंकि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ हेड यूज होगा पास्ट में, और जो बाकी के हेल्पिंग वर्ब में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।